नमस्कार, स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में। मैं हूं तलहा। ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और गाड़ी के परमिट पर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अगर किसी को इनमें से किसी चीज़ को भी रिन्यू कराना है तो उसके पास 31 अक्टूबर तक का ही वक्त है। इस डेडलाइन को अब आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, मतलब जिनको ज़रूरत है उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और गाड़ी के परमिट को रिन्यू कराने के लिए 17 दिन का वक्त बचा है। केंद्र सरकार के परिवहन मंत्रालय की ओर से 31 अक्टूबर तक बढ़ाया गया था। इससे पहले केंद्र सरकार के परिवहन मंत्रालय की ओर से इसकी डेडलाइन को 31 अक्टूबर तक बढ़ाया गया था। इसका मतलब हुआ कि अगर आप 31 अक्टूबर के बाद अधूरे दस्तावेज के साथ गाड़ी चलाते हुए पकड़ में आते हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा। कोरोना महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कार्ड समेत ज़रूरी दस्तावेजों के रिन्यूअल में छूट दी थी, लेकिन अब इस छूट को हटा लिया गया है। परिवहन मंत्रालय की ओर से आदेश जारी कर कहा गया है कि 31 अक्टूबर के बाद कोई छूट नहीं दी जाएगी। साथ ही अगर आपका लाइसेंस या आरसी 1 फरवरी 2020 से पहले एक्सपायर हो गया था तो उसे अभी तक वैलिडेट माना जा रहा था, लेकिन 31 अक्टूबर 2021 के बाद इसे एक्सपायर माना जाएगा। कोरोना के चलते अब तक 7 बार ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, फिटनेस सर्टिफिकेट जैसे ज़रूरी कागजात की वैलिडिटी बढ़ाई जा चुकी है। मंत्रालय की ओर से 30 मार्च 2020, 9 जून 2020, 24 अगस्त 2020, 27 दिसंबर 2020, 26 मार्च 2021, 17 जून 2021 और आखिरी बार 30 सितंबर 2021 को वैलिडिटी बढ़ाई गई थी। खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया के ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।